हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं तैयार हो रही हूँ अगस्त मुनि जाने के लिए। तो अगस्त मुनि में मेला लगा हुआ है, तो मैं मेला घूमने के लिए जा रही हूँ और आप सबको भी मेला घुमा के आऊँगी। तो फिलहाल अभी मम्मी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? हाँ, क्या बोलते हो मोनिका बेटा, तेरे लिए ये तोर भेजी है मैंने, थोड़ा सा है मोनिका सिलोड़ी, इसकी सहेली। तो ये अच्छा मत बोलना आंटी जी ने कि क्यों ये पहले साले इतने बड़े, इनमें तोर भी रोको ना, इतनी दिखाई देती है तो मैं क्या करूँ। हमारी तो ना बांटने के लिए ही होती है, मतलब इतनी हाँ, मेहनत करो तो तो रिश्तेदारों थोड़ा में ना भी देनी इकदाल होती है। आप लोग भी खा लेना बेटा, हाँ बिल्कुल। बस और क्या बोलने। तो मैं मेले में जा रही हूँ और मैं पैदल वाले रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि रुद्रप्रयाग से फिर तिलवाड़ा जाओ, फिर अगस्त मुनि जाओ, बहुत लंबा पड़ता है और खर्चा भी बच जाएगा। अच्छा मार्क संभाल सची, गोणी नहीं है, नी नी आज कर लीजिए हे खोला माँ, आजकल, मैं तो ना बोला, मैं नी तो नी उधर नहीं बैगे आज बैठ करनी है, जाऊँ। तिल बाड़े बैठा जी, यो के बैठ जाए तो पोले बैठ। हाँ, पोला के बैठ जाऊँ मैं। हाँ तो बस तो हमारे तो यहाँ से पैदल रास्ता है तिलवाड़ा पहुँचने के लिए, तो मैं वहीं से जा रही हूँ पैदल रास्ता। पैसे भी बच जाएंगे और मेरा टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि वहाँ से अगर रुद्रप्रयाग से होके जाऊँगी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मुझे, है ना मम्मी? हाँ और मम्मी की डिमांड है मेले से क्या लाना है? हाँ मेरे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गरम जुराब लाना वहां से अच्छा, बस, और जॉकेट? जॉकेट हाँ जॉकेट मेरा बुढ़े ना। तो मम्मी की डिमांड है, मम्मी के लिए जुराब लेके आने हैं, तो चलते हैं। मम्मी को बहुत मिस करेंगे, कल आ जाऊंगी वैसे मैं, कल ठीक है? आए जा आए जे वो चल ठीक है ना? रहा दाम खुद खुद भी लगनी नहीं, लगनी मेरे तो लगनी, ना कैमरे पर लगनी हाँ कैमरे की खुद भी लगनी नहीं जाए। मुझे पता है मम्मी को मेरी खुद कम और कैमरे की ज्यादा लगती है। अगर मम्मी के पास मैं कैमरा छोड़ दूं और मैं खुद कभी कहीं 1 महीने के लिए भी चले जाऊं ना, हाँ तब तो कोई कोई फर्क काम नहीं नहीं पड़ेगा। है। वही तो चलते हैं अभी। बाय बाय ठीक है मम्मा, दोस्तों, बाय बाय, मम्मी मिलते को भी हैं आप मिस करोगे, कल ठीक है? परसों, मिस बस एक करोगे, दिन की बात है, कोई आंटी को बात नहीं। मिस करोगे बहुत ज्यादा, हाँ, तो कोई चलते हैं बात नहीं। दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको भी मेला घुमाएंगे। तो चलते हैं अपने पैदल वाले रास्ते से, भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए बस। हाँ जाने भी तो यार कौन कोई गाड़ी, दिया तो चल तो मैं मेरे रोड को, रोड से जाती हूँ पहले आधे रास्ते तक, अगर हाँ गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल पैदल आप और मैं चलते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, रास्ते में मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते चलते मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ गांव से। तो ये हमारे गांव की रोड ही है अभी, मतलब पहले हमारे गांव में रोड नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब रोड आई तो दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही है। तो गढ़वाली में एक अखाण है, अखाण मतलब मुहावरा बोलते हैं उसको, कि जे मुन्ना आग चबलते हैं मुन्ना थुलू नीचे, जे मुन्ना थुलू ते मुन्ना के नीचे। तो मतलब गढ़वाली मुहावरा है। तो आप लोग कमेंट करके इसका मतलब जो अर्थ है वो ज़रूर बताना कि इसका मीनिंग क्या है, तो मैं जिसका सही आंसर होगा उसका ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितना दूर जाना है। वहाँ नीचे दिख रहे हैं आपको जो बहुत सारे घर दिख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो इसके पीछे मुझे यहाँ जाना है, वहाँ है तिलवाड़ा। तो कोई बात नहीं, गाड़ी का वेट करते करते मुझे आधा घंटा तो हो ही जाना है, उससे अच्छा मैं तब तक आधा रास्ता क्रॉस कर लूँगी और आपको भी दिखा दूँगी अपने गाँव से तिलवाड़ा तक का रास्ता कैसा है। वैसे आपने पहले पुराने व्लॉग्स में भी देखा ही होगा। तो यही दिक्कत होती है यार पहाड़ों में, पहले तो रोड की दिक्कत होती है, रोड नहीं आती है गाँव में, रोड आती है तो यहाँ प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, जिससे हमें फिर भी पैदल ही जाना पड़ता है। बट एक फ़ायदा है, इमरजेंसी में काम आती है रोड, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल चलते हैं और घुमाते हैं आपको आज मेला। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जंगल वाले एरिया में और ऊपर वो रोड दिख रही है, तो अभी मुझे रोड से नहीं जाना है, अब होता है जंगल वाला ट्रैक स्टार्ट। तो यहाँ से मुझे नीचे 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 जाना है और डायरेक्ट वहाँ पहुँचना है, तो मुझे करीबन 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैक। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गई हूँ पोला गांव में, जो मैं ऊपर से दिखा रही थी ना, पंडितों का गांव। तो यहाँ हमारे पंडित रहते हैं जो पूजा करते हैं हमारी। तो ये रहा उनका गांव, अगर कोई देख रहे हैं तो कमेंट कुछ जरूर करें, है कि ना? अरे हाँ बेटे, हाँ ना ना, रोज नहीं जाऊँ। अभी काफ़ी चलने के बाद लगभग मैंने 30% रास्ता कवर कर लिया है और यहाँ पूरा जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया। मतलब बीच में एक गांव पड़ा था ऊपर पोला गांव, उसके बाद नीचे पड़ेगा मठड़ा गांव, इसके बीच कोई भी गांव नहीं है, सुनसान जंगल है, यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे अकेले जा रही हूँ, नहीं तो मेरे साथ कोई ना कोई होता है इस रास्ते पर। बट कोई बात नहीं, नारी देवी साथ है, तुंगनाथ महादेव साथ हैं, चलते हैं अपने ट्रैक पर और आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली इतना चलने के बाद मैंने जंगल वाला एरिया कवर कर लिया है और अभी मैं पहुंची हूँ मठाना वाले गदरे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा गदेरा है और बरसात के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी बढ़ जाता है ना, तो ये गदेरा क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल अभी बस 20 मिनट के बाद मैं तिलवाड़ा पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अब सीधा सीधा रास्ता है, यानी कि लादो लादो है। और मेरे हाथ में देख सकते हो ये फूल है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये फूल, ये मुझे पौड़ी में भी दिखे थे शायद, ये सॉरी टिहरी में, जब मैं टिहरी जा रखी थी ना तो मुझे ये वाले फूल दिखे थे, तो बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे ये फूल, तो मैं हाथ में लेके चल रही हूँ। तो चलते हैं अभी गदेरा
क्रॉस कर लेते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूं मठाना गांव में और यहां पे मुझे पहाड़ों के पुराने घर देखने को मिलते हैं और अफसोस है कि अब यहां सिर्फ जानवर रहते हैं क्योंकि इंसानों को चाहिए सीमेंटेड मकान। और आप लोगों को तो पता ही है मुझे पुराने घर कितने पसंद हैं, तो इसलिए मैं उनको कैप्चर करती रहती हूं जहां पे भी मुझे दिखते हैं। तो कुछ इस तरह हुआ करते थे पहाड़ों के घर जहां पहले इंसान रहा करते थे, लेकिन अब यहां सिर्फ जानवर रहते हैं। सबसे बड़ी जिगर आप लोग जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे मठाना गांव में हमें अंकल जी मिले हैं। अंकल जी आपका नाम? मैंने धूम सिंह रावत। अच्छा अच्छा, ये खागेशन तुम ना? यहाँ पे अंकल जी की दुकान है और इन्होंने मुझे पहचान लिया जाते ही कि आज नहीं बना रहे ब्लॉग, मैंने कहा बना रहे हैं, आपको भी निकालते हैं ब्लॉग में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप ब्लॉग देख रहा ठीक से था। हाँ ठीक से। तो दोस्तों इतने दूर से आने के बाद फाइनली अभी मैं तिलवाड़ा पहुँच ही गई हूँ, मतलब यहाँ से अब थोड़ा 5 मिनट का रास्ता है नीचे के लिए, उसके बाद चलता है यहाँ से अगस्त होने के लिए। दोस्तों फाइनली अभी 1 घंटा पैदल चलने के बाद मैं तिलवाड़ा मार्केट में पहुँच गई हूँ और ये रहा तिलवाड़ा मार्केट। यहाँ से मुझे अगस्त होने की गाड़ी में बैठना है, देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। मेले में पहुंच चुकी हूं और मेरे दोस्त लोगों ने बोला था कि हम मेले में ही हैं, पर मुझे वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो उनको फ़ोन करती हूं और उनको बुलाती हूं, सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को। और फिलहाल अभी तो मैं एंट्रेंस पे ही हूं गेट के और उसके बाद आपको पूरा मेला घुमाऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे। तो चलते हैं पहले उनको ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं चरखी के सामने पे और हमारे साथ नए चेहरे जुड़ चुके हैं। हेलो सचिन, यूके तेरा कैसे चल रही है आपकी मूवीज? ठीक ठाक, भगवान की दया। बिल्कुल। और हमारे साथ है जाना माना चेहरा, कैसे हो आप? भूल ही गए यार आप तो, हमारे व्यूअर बहुत याद कर रहे थे आपको, रिश्ता ढूंढ रहे थे आपके लिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसको भी पहचानते ही होंगे, इसका काम हमेशा मेरा बैग बोकने का रहता है कहीं भी हो, तो यहाँ पे इसने मेरा बैग पकड़ लिया है। तो अभी हमें चरखी में बैठा रहे हैं सचिन, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम चरखी में बैठेंगे, आप लोगों को बिठाएंगे चरखी में। बिठोला देर निकारा। बड़ी डर भी लग रही है, तिरछी वाली चरखी है। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत व्यू। भाई साहब ऊपर आ गए, ऐसा लग रहा है उल्टा हो जाएंगे। इसमें तो गिरने का डर बहुत है, यो बहुत ज्यादा यार। दिक्कत क्या हो गई वो चक्कर भैया? दिला रहे हमको। ले लो भाई जो लेना है ले लो, सिर्फ कैमरे पे। हाँ कैमरे पे बोलने के लिए ले लो। अरे ले लो कुछ चाहिए? हाँ मैम ले लो, ले लो कुछ चाहिए। हाँ ले लो कुछ ले लो। क्या दिला रहे हैं? जो जो चाहिए ले लो, ऑन कैमरा नहीं है, झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ ले लो जो चाहिए, जो चाहिए ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल, पैसे तो मैं देने ले लो। तो दोस्तों मेले में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हो रजाई काफ़ी अच्छे अच्छे और कंबल भी, ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे, इधर साइड भी और इधर भी, कपड़ों की, बर्तनों की, छोटे बच्चों के कपड़ों की। तो मेले में यही फ़ायदा होता है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पर। तो अभी आगे हम फास्ट फूड वाले कॉर्नर में जो कि मोनिका का फेवरेट है, है ना? बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए। टिक्की चाट ऊपर से दिल लिखा हुआ है सारा, इसको देख के मन मुग्ध हो गया। बस देखना ही है कि खाना भी है। ये क्या चीज़ है?
चाट पापड़ी, चाट पापड़ी मीठा होता है। आपने ऊपर गलत लिखा हुआ, यहाँ चाट पापड़ी वहाँ बर्गर। नहीं, चाट पापड़ी वहाँ बर्गर। अच्छा अच्छा, तो भैया कहाँ के हो आप? कच्ची का सामने। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आज खाते हैं, चल नई नई चीज जो हमने खाने रखी, ठीक है। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हो काफी सारी चरखियाँ लगी हुई है, ड्रैगन भी लगा हुआ है। और इस वाले मेले को देखकर ना मुझे श्रीनगर वाले दिन याद आ रहे हैं, अपने कॉलेज वाले दिन, क्योंकि मैं अगस्तमुनि के मेले में कम कम ही आई हूँ, ज़्यादा मैं श्रीनगर के मेले में ही गई हूँ, लेकिन अब वहाँ मेला ही नहीं लगता है। तो यहाँ के मेले को देख के ही मैं अपना चित बुझा रही हूँ, यानी कि मतलब यहाँ का मेला देख के ही अपना मन भर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से ना काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं अपने कॉलेज टाइम की, तो बहुत याद आ रही है अभी दोस्तों की। यहाँ पे हमको एक दुकान में बढ़िया बढ़िया पहाड़ी टोपियाँ देखने को मिल रही है, जिसे कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। देखो बाजा लिया जा रहा है, बचपना नहीं जाना चाहिए भाई, है ना। गाड़ी में सुन सुन, तुम्हारी स्कूटी में हॉर्न है, नहीं तो इसको पकड़ा देना, अंजलि को पकड़ा देना पीछे से। तो दोस्तों मेले में आजकल ना ज्यादातर गर्म कपड़े ही देखने को मिल रहे हैं, जैकेट स्वेटर। मोनिका के लिए यहाँ पे लोग लेने वाले हैं। हाँ सही, मैं मोनिका ले रही है मेले। हाँ सच में ऐसे दोस्त होने चाहिए यार जिंदगी में, है ना। और एक ये और एक ये देगी, क्या हुआ तो पैसे ये देगी, ले तो मैं लूंगी मेरे होगी। तो यहाँ पे लोअर देख रहे हैं हम लोग, तो कपड़े मतलब ठीक ठाक ही हैं, अच्छे रेट में हैं, बस क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है क्वालिटी के तो ऐसे ही डायलॉग मार रहे हैं जो जिनके शॉप है यहाँ पे, तो इन्होंने मतलब अपने अपने डायलॉग बना रखे, ले लो ले लो ले लो, सौ के दो घर जाके बांटो। तो दोस्तों मेले में और चीज़ लू ना लू, लेकिन मैं ये वाली टॉफी जरूर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ये फेवरेट रहती है। और ये मिलती भी नहीं यार दुकानों में, है ना, ये ऑरेंज वाली है, देखिए बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, तो मैं इनको ले जाती हूँ कहीं भी मेले में जाती हूँ ना, मुझे तो अच्छी लगती है, रख देती हूँ। ये टेक्निक हमारी जाती नहीं है, एक ऐसी दे रहे होंगे, प्रचार भी हो रहा है। देखो हाँ भैया, देखो आपकी वीडियो बनानी है। सही में भैया, आपको पता है आपको 1,00,000 लोग देख रहे हैं। हेलो बोल दो, कहाँ के हो आप? अच्छा अच्छा, तो ये वीडियो 1,00,000 लोग देखने वाले हैं, भैया को बोलो। तो भैया ने अपने बाल सही कर दिया इसी खुशी में। वही तो, भैया एक पैकेट कितने का है? 10 का। भाई देख लो मेरी ऑडियंस, महंगा तो नहीं दे रहे हैं, अगर महंगा देंगे तो मैं कल वापस आ जाऊंगी। हाँ अपने लहंगे में जो आप चला दो, चला चला के बोल देना। हाँ बस बोल, ले लो ले लो ले लो, 10 रुपए पैकेट दे रहे, 10 रुपए चले हो भैया, 10 रुपए में दे रहे, ले लो भैया, ले लो ले लो, 10 ले लो, 10 रुपए में दे रहे, ले लो ले लो ले लो। चलते हैं मेले से घर, और मुझे भी बहुत ज्यादा थकान लगी थी, क्योंकि 1 घंटा पैदल चल के आई हूँ, और इधर भी सारी जगह पैदल पैदल घूम रहे हैं। वही तो, अब चलते हैं रूम पे, आराम करते हैं, खाते पीते हैं कुछ, फिर रात को आएंगे, है ना। यस, रात में आता है मजे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, मोनिका के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, मेले वाले ब्लॉग के साथ ही मिलेंगे। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, बाय बाय।